बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्ला, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे उन यूनिवर्सिटीज की जिनकी जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई फीस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, सारा कुछ जो है हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ये है पहला राउंड, मीन्स कि हमने राउंड में इसको डिवाइड किया है। पहले राउंड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उसके बाद दूसरा राउंड मतलब हमने खुद से बनाया है। ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनकी डेडलाइन 30 अप्रैल तक है या उससे एक्सीड कर जाती है, या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होंगी या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स होंगी, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप जो होंगी, बाकी जो रह गई हैं जो हमें अभी तक जिनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली या जिनकी अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए अभी, वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट राउंड में। ये समझें पहला राउंड है, ठीक है। पहली यूनिवर्सिटी जो है जो है जेंगजो यूनिवर्सिटी, ZZU हमारी यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरा एडमिशन हुआ था, ठीक है। ये प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप है, ये PhD वालों के लिए होती है और 10 जून तक जो है इसकी लास्ट डेट है। एक इसका इनटेक होता है मार्च इनटेक में जो है वो आपको पता है 15 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन कोविड की वजह से वो मार्च इनटेक के एडमिशन तो ओपन करते हैं लेकिन रिजल्ट जो है मार्च और सेप्टेम्बर इनटेक का इकट्ठा वो देते हैं। अगर 50 मार्च इनटेक में स्टूडेंट सेलेक्ट होने मिसाल के तौर पर, और 50 जो है सितंबर इनटेक में होंगे तो 100 होंगे टोटल, वो उनका रिजल्ट इकट्ठे ही आएगा। पहले होता था कोविड से पहले, जब कोविड नहीं था तो 50 या 60 बंदे जितने भी सिलेक्ट करते थे वो मार्च में वो उनका उनकी स्कॉलरशिप लग जाती थी और वीज़ा भी मिल जाता था और वो चले जाते थे, ठीक है। इस तरह सीन चल रहा है। अब से 10 जून तक अप्लाई कर सकते हैं प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए। अगर CSE की 3 यूनिवर्सिटीज़ आपकी हो चुकी हैं और आप अभी तक फाइंड कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़, तो ये PhD वालों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, CSE के स्टाइपेंड इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ ZZU का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है, कोई कुछ भी नहीं सेंड करना है, ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी जेंगजो यूनिवर्सिटी की CSE स्कॉलरशिप, ये PhD वालों के लिए नहीं है, ये मास्टर वालों के लिए जस्ट, ठीक हो गया। ये जस्ट मास्टर वालों के लिए, ये PhD वालों के लिए वैसे लिखा है क्योंकि उनके एडवर्टाइजमेंट पे इस तरह का कुछ मेंशन नहीं था। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो है मैंने वीडियो बनाई थी कि इसकी क्लैरिफिकेशन की थी कि ये क्या हिसाब किताब है। 30 अप्रैल जो है लास्ट डेट है, लेकिन आप एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें, कोई फीस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, ओके हो गया। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाएं, जो जो उनके मेजर हैं या CSE की वेबसाइट पे उनके जो जो मेजर हैं उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये है CSE का फॉर्म पहले फिल करना है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप सबको पता है सारा कुछ, ओके हो गया जी। नेक्स्ट है जी तियानजिन यूनिवर्सिटी फेंग फ्यूचर स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलरशिप। इसकी जे PhD वालों के लिए जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, कुछ भी नहीं सेंड करना। जून 15 2022 इसकी लास्ट डेट है यूनिवर्सिटी का, सिर्फ और सिर्फ आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ठीक हो गया। और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं इसमें सिर्फ आपको क्या लास्ट डेट है और डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने और फी है या नहीं है वो बताऊंगा, बाकी क्या और फॉर्म कौन सा फिल करना है इनका, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, CSE अगर है तो CSE का फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारा कुछ लिखा हुआ है, ये आपको पता है, ये ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, ठीक हो गया जी। वुहान यूनिवर्सिटी जो है इसकी भी जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, मास्टर और PhD वालों के लिए, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, कुछ भी नहीं सेंड करना। 15 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। पहले आप CSE का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी NEENU, ठीक हो गया। इसकी भी जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई फी नहीं है, कुछ भी नहीं है और डॉक्यूमेंट्स जो है ये मास्टर और PhD वालों के लिए है। डॉक्यूमेंट्स आपने इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करने हैं। 30 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 30 मार्च से पहले पहले आप करने हैं और पहले CSE का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये हैं। नेक्स्ट है जी आगे इतनी चले गए नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी, इसकी भी जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है। 1 अप्रैल जो है इन अप्रैल में लास्ट डेट होती है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी हुई, लेकिन आप एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर दें। अभी डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, मास्टर और PhD वालों के लिए है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना, फीस भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CSE का पोर्टल है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना आपने, ओके हो गया जी। अब आप कह रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है साउथ इसकी CSE का फॉर्म फिल करना है, हमें कैसे पता चलेगा, वो कैसे ट्रैक करेंगे? भाई सारा कुछ हो जाता है, कोई मसला नहीं है, वो ट्रैक कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन एजेंसी नंबर के थ्रू। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी जो है इसकी 31 मार्च लास्ट डेट है। नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने CSE का फॉर्म फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देने हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स फॉर CSE स्कॉलरशिप 2022 और बस इतना ही, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच कर दीजिएगा। PDF फाइल्स अलग अलग हों, लेकिन ये है कि सारी PDF फाइल्स एक ही ईमेल में आपने अटैच करनी है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप सबको पता है सारा कुछ, ओके हो गया जी। नेक्स्ट है जी हॉजोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉजोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। स्टाइपेंड आप देख सकते हैं 21वीं मास्टर के लिए और 25वीं PhD वालों के लिए। 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अब करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ
यूएसटी का फॉर्म फिल करना है, सीएससी का तो फॉर्म फिल करना ही नहीं है क्योंकि यूएसटी स्कॉलरशिप है, कोई फी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, वो क्यों गया। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी CUMT, इसका भी जो है कोई फी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, स्टाइपेंड आप देख सकते हैं क्या है, और बाकी जो है कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना है बस, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, ओके हो गया। नेक्स्ट है जी यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज UCAS, UCAS की जो है ये कौन सी स्कॉलरशिप है, UCAS CSE स्कॉलरशिप, ठीक है, CSE स्कॉलरशिप की अभी डेडलाइन है 31 मार्च है, USTC की गुजर चुकी है डेडलाइन, UCAS की है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, जस्ट जो है आपने CSE का फॉर्म फिल करना है और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है UCAS का, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट है जी दिल्ली मेडिकल यूनिवर्सिटी CSE स्कॉलरशिप, ये है इसकी डेडलाइन जो है 15 अप्रैल है सॉरी, और आफ्टर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन मस्ट सेंड, पहले अप्लाई करते वक्त आपको किसी डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं है, ठीक है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले आपको मीन कि जब आपकी सिलेक्शन फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगी, आप सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा, लेकिन मेरे ख्याल में करने नहीं पड़ते, स्टूडेंट ने सेंड नहीं किया लास्ट टाइम जो सिलेक्ट हुए थे। अब करना क्या है, CSE का फॉर्म फिल मतलब अप्लाई करते वक्त आपको किसी किस्म के डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, CSE का फॉर्म फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ओके हो गया जी। नेक्स्ट है जी यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज UCAS यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है UCAS की, ये भी CSE के इक्वली होती है ऑलमोस्ट, ओके हो गया, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने UCAS का यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करना है, CSE पे अप्लाई नहीं कर रहे, CSE का फॉर्म भी फिल नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है जी दिल्ली मेडिकल यूनिवर्सिटी CSE बेल्ट एंड रोड, वन रोड वन बेल्ट स्कॉलरशिप है जी, रोड एंड बेल्ट, ठीक है, ये बेल्ट एंड रोड है, वन रोड वन बेल्ट, आई थिंक सिल्क रोड और है, वन रोड वन बेल्ट और है, ये है जी इसका, ये भी CSE के अंडर आता है, PhD वालों के लिए जस्ट 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, और इसमें क्या करना है, पहले CSE का फॉर्म फिल करना है, फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, कोई फी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, ओके हो गया जी। नेक्स्ट है जी हॉचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की CSE स्कॉलरशिप, अभी जो पहले हमने डिस्कस की है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, ये CSE स्कॉलरशिप है, 15 अप्रैल डेडलाइन है मास्टर और PhD वालों के लिए, कोई कुछ भी नहीं करना, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, कोई एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी, CSE का फॉर्म फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी CSE स्कॉलरशिप, आई थिंक ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, अब जब आपका प्रिलिमिनरी एडमिशन एग्जामिनेशन आपका मीन्स के इनिशियल भी क्लियर हो जाएगा, फिर आपको पे करना होगी, अप्लाई के वक्त नहीं करना आपको पे, किसी किस्म की फी पे नहीं करनी, ठीक है, CSE का फॉर्म और यूनिवर्सिटी का फॉर्म, ओके हो गया जी। यहाँ पे साउथ वेस्ट SWT मिस्टेक लिखा हुआ है, पहले आपने सिर्फ करना है CSE का फॉर्म और यूनिवर्सिटी का फॉर्म। अगर नेक्स्ट है जी जैमूसी यूनिवर्सिटी CSE स्कॉलरशिप, इसका आपने क्या करना है, ये नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, 30 मार्च इसकी डेडलाइन है, आपने सिर्फ और सिर्फ CSE का फॉर्म फिल करना है बस, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, ओके हो गया जी। चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी CUMT, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी वीडियो में पीछे डिस्कस किया है, क्योंकि 5 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, 5 अप्रैल ये आप देख लीजिएगा, 5 अप्रैल 2022 आपने एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ CSE का फॉर्म फिल करना है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी। नॉर्थ वेस्ट A&F यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, 15 मार्च इसकी डेडलाइन थी भाई, ये तो गुजर चुकी, ये गुजर चुकी है भैया, इसको हम काट देते हैं, ओके। नेक्स्ट है जी बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो हो गया, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये, इसकी 15 अप्रैल डेडलाइन है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, कुछ भी नहीं पे करना, 600 RMB एप्लीकेशन फी शायद वो आपसे मांगे जब आपका इनिशियल रिव्यू और सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर पहले अप्लाई करते वक्त कोई फी नहीं है, पहले आपने CSE का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ओके हो गया जी। नेक्स्ट है जी चाइना फार्मेटिकल यूनिवर्सिटी सिल्क रोड स्कॉलरशिप CPU, 31 मार्च लास्ट डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, 2000 RMB अभी आपको एप्लीकेशन फी पे करना होगी, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ये सेफ्टी साइड के लिए वो करते हैं, मींस के लड़के जो है स्कॉलरशिप ले लेते हैं फिर जाते नहीं हैं, इस तरह का कुछ, वो फिर आपको आपसे कहेंगे 2000 RMB दे दें हमें, आपकी जो है सीट हम रिजर्व कर लें ताकि आप आगे पीछे भाग ना सकें, हमारे पास फंस जाएं बस, क्योंकि स्कॉलरशिप आप हम देते हैं फिर लड़के नहीं आते, वो सीट वेस्ट हो जाती है, तो इस वजह से वो लेते हैं, फिर ये आपको वापस कर देते हैं, ये रिफंडेबल होती है, या मींस कि आप चाइना जाएं या ना जाएं कोई मसला नहीं है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी सारे बंदे वो सिलेक्ट कर लेंगे, आप वो देख लेंगे कि हाँ भी अब ये आ चुके हैं सारे के सारे, फिर वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो जैसे शंघाई यूनिवर्सिटी में 5000 RMB होती है, वो उन्होंने क्योंकि स्टूडेंट गए नहीं है अभी तक, उन्होंने सबको रिटर्न कर दी वापसी, ओके हो गया, तो आपको भी कर देंगे, डोंट वरी। अच्छा इसका बताया तो नहीं नीचे, बता जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, इसका CSE का फॉर्म फिल करना है और उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ये दोनों फॉर्म फिल करना है।
नेक्स्ट है जी यूकैज और यूएसटीसी की आंसू स्कॉलरशिप। अब आंसू स्कॉलरशिप जो है, यूएसटीसी की डेट तो भाई गुजर चुकी, 15 मार्च थी। यूकैज जो है, यूएसटीसी एंड यूकैज जो है ये 31 मार्च जो है इसकी डेडलाइन है, 20 फॉर यूएसटीसी एंड 31 मार्च फॉर यूकैज। यूकैज के लिए आप आंसू के लिए भी कर सकते हैं और उनकी यूएसटी स्कॉलरशिप और सीएससी के लिए कर सकते हैं। स्टाइपेंड आपको 6 से 7 हज़ार ये होता है, आपको पता है, ये पीएडी वालों के लिए, मास्टर वालों के 3 हज़ार आरएमबी। यूकैज के लिए अगर आपने आंसू के लिए कर रहे हैं तो भाई अपनी डेडलाइन है पड़ी 30 मार्च, 31 मार्च तक। बाकी अगर यूएसटीसी का सोच रहे हैं तो भाई छुट्टी निश्चित। ओके, अब करना क्या है आपने? अगर तो आपने यूएसटीसी के लिए अप्लाई करना है वो तो डेट गुजर चुकी, यूकैज के लिए आपने अप्लाई करना है तो पहले आप यू अगर सीएससी के लिए भी आपने यूकैज के लिए करना है और आंसू के लिए भी करना है और यूकैज की यूएसटी स्कॉलरशिप के लिए भी करना है, पहले आपको सीएससी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा यूकैज के लिए, फिर आपको यूएसटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसी यूएसटी के फॉर्म में आपको आंसू की स्कॉलरशिप और यूएसटीसी की यूकैज की यूएसटी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आप सीएससी के लिए 3 हो चुकी हैं, आंसू के लिए आप करना चाहते हैं तो फिर यूकैज का सिर्फ सिर्फ फॉर्म फिल कीजिएगा, आंसू का कोई अलग से फॉर्म नहीं है। इसी फॉर्म में आप जब फिल करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, एंड पे जाके फॉर्म के एंड में जाके आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं, तो वहां पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई फी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका। नेक्स्ट है शियान शिओ यूनिवर्सिटी जो है, इसकी भी जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी। आपने सिर्फ और सिर्फ सीएससी का जो है, पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ये दोनों फॉर्म फिल करना है। डेडलाइन 15 मार्च, 15 अप्रैल है। ठीक है, नेक्स्ट है जी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है जो है, इसका एंड ऑफ मार्च में डेडलाइन है। ओके, हो गया, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि एंड ऑफ मार्च क्या है, लेकिन ये है कि उनके ऑनलाइन फॉर्म पे जाएं, लेकिन इसमें एक्सेप्टेंस लेटर जरूरी होता है एंड ऑफ मार्च में। ये अगर उनका फॉर्म है तो अब मीन्स के फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म पे अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स इस ईमेल पे एड्रेस पे सेंड करना है जिप फॉर्म में। ठीक है, और इस तरह आपने सब्जेक्ट लिखना है, आपने पासपोर्ट ये वो। ठीक है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी जिले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका आपने 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड, नो नीड टू एप्लीकेशन फी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना है और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, दैट्स इट। ओके, हो गया। जेंगनान यूनिवर्सिटी, इसका जो है 31 मार्च लास्ट डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई और नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी, नो नीड टू एप्लीकेशन फी, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं। ओके, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सीएससी की वेबसाइट पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी वेबसाइट पे अपलोड करने जो वहां पे दिए गए, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई एक आध डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा होता है वो फिर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है, सीएससी की वेबसाइट पे वो डॉक्यूमेंट आपने अटैच नहीं करना होता। चिंगदाओ यूनिवर्सिटी, इसका है जी 1 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, कुछ भी नहीं करना, पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, बस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप फिल नहीं करेंगे, फी भी पे नहीं करेंगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, चेंगदाओ यूनिवर्सिटी का। ओके, हो गया जी। नेक्स्ट है जी रैनमैन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, रैनमैन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना की 30 अप्रैल लास्ट डेट है और सीएससी का फॉर्म और यूनिवर्सिटी का फॉर्म दोनों, बल्कि सीएससी का फॉर्म हो गया और यूनिवर्सिटी फॉर्म दोनों हो गए, ये दोनों फिल करने हैं, कोई फी नहीं है, कुछ भी नहीं है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं, बस दैट्स इट। नेक्स्ट है जी वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आई थिंक इसकी डेट गुजर चुकी है, मार्च 31, 2022 वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसका एक मिनट, इसकी कंफर्म ये आई थिंक ये पुराने ना हो तो मैं इसको दोबारा यू क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि इसकी डेडलाइन अभी गुजरी तो नहीं है। मेरे ख्याल में 15 मार्च इसकी डेडलाइन थी, ये गुजर चुकी है, मैं आपको अभी कंफर्म कर देता हूँ कि ये पुरानी है या नहीं। आई थिंक ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, ये 2022 क्यों लिखा हुआ है मुझे कोई समझ नहीं आ रही। असल में हुआ ये था, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी वेबसाइट का जो मसला बना था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारी पोस्ट जो हैं मिक्सअप हो गई थी, वो हमें खुद कंफ्यूज थे कि ये हुआ क्या है। ठीक है, तो इस वेबसाइट इसका मैंने देखा था, एक और पोस्ट हमने फिर दोबारा भी इसे अपडेट किया था, वो पोस्ट उसमें हमने बताया था कि इसकी जो है डेडलाइन 15 मार्च है। मैं अभी दोबारा कंफर्म कर देता हूँ, मुझे एग्जैक्ट भूला हुआ है कि याद नहीं है कि इसकी डेडलाइन, हाँ 31 मार्च 2022 भाई अभी डेडलाइन है। वो एक और पोस्ट थी 2022 की जिसमें हमने अपडेट किया था कि 15 अप्रैल है, कोई इस तरह मिक्सअप हुआ था काम। मुझे अब मजीद इतनी यूनिवर्सिटीज आप देख लें कि कहाँ दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। ठीक है, अभी डेडलाइन है इसकी, बचत हो गई है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। ओके, हो गया जी। नेक्स्ट है जी, अब ये मत कह दीजिएगा कि भाई ये अपनी तरफ से बता रहा है ये वो, भी मैंने अब क्लैरिटी के साथ के वेबसाइट का हमारा इशू था और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व है, लेकिन पहले उस वक्त इशू बना था, उस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो है, कुछ तो हमने खुद से है हमने उड़ा दी थी और कुछ चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली जो है कोई समझ नहीं आ रही क्या हुआ था।
ठीक है, बहुत कंफ्यूज हुए थे उस वक्त, लड़के भी बहुत कंफ्यूज है, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। ओके हो गया जी, नेक्स्ट है जी। अब मैं चाहूँ तो ये वीडियो का ऐसा कट भी कर सकता हूँ ताकि भाई अपनी वो करने के लिए कि वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का मैंने पहले बताया है कि 15 मार्च है, मुझे याद आ रहा है, इस तरह का कट भी कर सकता हूँ। लेकिन जो जो चीज़ हकीकत है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। कट करना चाहूँ तो मैं ये कट कर सकता हूँ वीडियो को एडिट करके, मसला नहीं है, 5-7 मिनट मुझे लग जाएंगे, लेकिन यह है कि मैं नहीं कट करूंगा, जैसे वीडियो आ रही है वैसी जाएगी। ओके हो गया, क्योंकि जो चीज़ क्लियर है, जो चीज़ हकीकत है, वही आपके सामने पेश होनी चाहिए, ठीक है। या जिस चीज़, जो चीज़ मैं थोड़ी सी भूल गया हूँ बताना, या जो चीज़ है वो भी आपके सामने क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं कुछ कहूँ या वो कुछ, ठीक है। लेंजो यूनिवर्सिटी, लेंजो यूनिवर्सिटी जो है इसकी डेडलाइन 30 अप्रैल है। नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। पहले आपने क्या करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, दैट्स इट। लेंजो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, लूट इसको कहते हैं आप दूसरे अल्फाज में, दूसरे वो लूट नहीं जो आप समझ रहे हैं, लूट वो लूट नहीं। अच्छा, इसकी एंड ऑफ मार्च डेडलाइन है। पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म, इसको होता ही नहीं है, वो तो चाइनीज में मेजर होते हैं सारे, सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है आपने अपलोड करने, बस इसके अलावा और आपने कुछ नहीं करना। हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इसका मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स जो है सेंड करने हैं, लेकिन मैंने आप दोस्त से कहा था, पूछे, वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड नहीं है, नाम भी सेंड करें कोई मसला नहीं है, इस वजह से ये यूनिवर्सिटी मैंने इसमें डाल दी। ओके हो गया, नेक्स्ट है जी, हार्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की सीएससी मेराइन स्कॉलरशिप ऑफ चाइना, इसमें भी जो है 15 अप्रैल लास्ट डेट है। नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, सॉरी, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, हार्ड कॉपीज भी सेंड नहीं करनी, लेकिन मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि दोस्त से मैंने पूछा था, ये भी हार्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की जो है स्कॉलरशिप है, कि आपको चाहिए या हार्ड कॉपीज नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको से ये भी साथ बताया था कि अगर आप, मैं होता तो मैं शायद सेंड कर देता, हाँ अगर टाइम थोड़ा हुआ तो फिर मैं ना कर पाता, लेकिन अगर टाइम हो तो फिर मैं कर देता, क्योंकि हो सकता है उनको चाहिए। अब आप कह रहे हैं अगर आपने सेंड करनी है डॉक्यूमेंट्स तो आपने फिर बताया क्यों, मैंने आपको कंडीशन बता दी कि अगर ना भी करें जो उन्होंने बताया है, मैंने दोस्त से जो पूछा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं होता या जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई तो मैं करता, ठीक है। जो चीज़ क्लियर है वो क्लियर है, क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। शेंडोंग यूनिवर्सिटी है जी, इसके बाद शेंडोंग यूनिवर्सिटी 31 मार्च लास्ट डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी। आपने करना क्या है, पहले तो आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने, दैट्स इट। नेक्स्ट है जी, अच्छा इसकी मैंने वीडियो बनाई थी शेंडोंग यूनिवर्सिटी की, वो फॉर्म भी फिल करके बताया था, सारा कुछ बताया था, वीडियो वो यूट्यूब ने रिमूव कर दी, पता नहीं क्या वजह है, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं था, उन्होंने रिमूव कर दी। मैंने कहा ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, हम अब जो है हम माड़े बंदे हैं, आप जो उड़ाना चाहे उड़ा सकते हैं। इसके बाद डोंगबा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डूफे, इसकी भी जो है 31 मार्च लास्ट डेट है, और पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, कोई फी नहीं है, कोई एप्लीकेशन जो है डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई बस। नेक्स्ट, हेनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी, हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की 15 जून जो है लास्ट डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू एप्लीकेशन, वी जस्ट सीएससी का फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट है जी, जेजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, जेड जे एन यू, इसका देखना पड़ेगा डेडलाइन 31 मार्च, हाँ जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई फी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सीएससी का फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। ओके हो गया, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने सीएससी के पोर्टल पे। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, ठीक है, 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, पहले सीएससी का फॉर्म फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म। ओके, और नेक्स्ट है जी, कैपिटल नॉर्मल यूनिवर्सिटी सीएनयू, ठीक हो गया जी, इसका है अप्रैल के एंड में होती है, अप्रैल ऑफ ईच ईयर, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, ठीक है, और इसमें यू कैन पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी फी है भाई, इसकी 800 RMB एप्लीकेशन फी है, इसको करते हैं कट, ये गई निकल इस लिस्ट से, ठीक है। अच्छा, चंगचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेली कम्युनिकेशन, 30 अप्रैल जो है इसकी डेडलाइन है, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, पहले सीएससी का फॉर्म फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म। ओके हो गया जी, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं। नेक्स्ट, शंघाई मैरिटाइम यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप, मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाई थी कि इसका 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, नो नीड टू एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, जस्ट आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है बस, इसके अलावा और आपने फिर इस ईमेल एड्रेस पे आपने डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड कर देने हैं सॉफ्ट फॉर्म में। ओके हो गया जी, नेक्स्ट है शंघाई मैरिटाइम यूनिवर्सिटी की शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इस पे भी आप ऐसा कीजिएगा, सीएससी और यूनिवर्सिटी शंघाई के लिए अगर आप दोनों पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप जो है डॉक्यूमेंट्स 30 अप्रैल इसकी 30 अप्रैल लास्ट डेट है,
ठीक है, इसको इसको आप इस ईमेल पे एड्रेस पे डॉक्यूमेंट्स जो है अपना सीएससी का फॉर्म भी सेंड कर देंगे, शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म भी सेंड कर देंगे, बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आप सेंड कर देंगे। ठीक हो गया। अगर आप कह रहे हैं कि सीएससी आप ऑलरेडी आपकी तीन हो चुकी हैं, सिर्फ शंघाई पे करना चाहते हैं, फिर सीएससी का फॉर्म आपने फिल नहीं करना, सिर्फ शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स कर देने हैं सेंड। ओके हो गया जी। इसकी 30 अप्रैल है और शंघाई उसकी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, और इसकी जो है 15 अप्रैल है सीएससी की। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। हुनान यूनिवर्सिटी जो हुनान यूनिवर्सिटी की जो है 15 अप्रैल फॉर सिविल ग्रेजुएट प्रोग्राम, 15 मई जो है फॉर यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, मीन्स के 15 मई तक इसकी डेडलाइन जाती है। और ये जस्ट ऑनलाइन अप्लाई एंड नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। ओके, अच्छा, हार्ड कॉपीज भी सेंड करने, इसको करते हैं स्किप, क्योंकि हार्ड कॉपीज लड़के सेंड नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए सेंड करना, हार्ड कॉपीज हम सेंड नहीं करेंगे। अगर करने का मूड हो तो फिर जो है 15 अप्रैल अभी डेडलाइन है, और 15 मई जो है यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मीन्स के सीएससी, ये भी सीएससी ही है, तो इसको कर देते स्किप। इसकी हम कोई और बनाएंगे कि जिसकी डॉक्यूमेंट सेंड करने हो, फीस ना हो, इसकी कोई और लिस्ट बनाएंगे। ओके, हुबेई यूनिवर्सिटी जो है जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, 10 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, पहले सीएससी का फॉर्म फिल करना है और फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। हाउ द ओके, जस्ट ये चाइनीज का वर्ड है। अच्छा, ये है जी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं। साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, इसकी जो है फी देख लेते हैं, फी नहीं, हाँ बिल्कुल फी भी नहीं है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, जस्ट पहले सीएससी का फॉर्म फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म। ओके, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये है। नेक्स्ट सिचुआन यूनिवर्सिटी, सिचुआन यूनिवर्सिटी का जो है 1 अप्रैल से मई 30 तक 2022 तक जाएगी ये डेडलाइन इसकी, लेकिन देख लें, हाँ बस इस 1 अप्रैल के बाद से ही अप्लाई कीजिएगा। इसमें सीएससी का फॉर्म आपने फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने करने हैं अपलोड। ओके, नेक्स्ट है हुनान यूनिवर्सिटी, ये हमारा जो प्रोविंस है जेंगजो जिसमें है, हुनान प्रोविंस है उसका, जेंगजो यूनिवर्सिटी हमारी जो है। अच्छा, इसका है जी 5 अप्रैल लास्ट डेट है, नो जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, जस्ट जो है आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और नो नीड टू एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी आपने, सेंड डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, सीएससी का फॉर्म फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने, बस दैट्स इट, इतना सा काम है। यंशान यूनिवर्सिटी, इसका देखते हैं, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। ओके, एंड डेडलाइन मेंशन नहीं की, लेकिन यह है कि 31 मार्च से पहले पहले जो है आप अप्लाई कर दीजिए, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू एप्लीकेशन फी, पहले सीएससी का फॉर्म फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म। ओके हो गया जी, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट मिंजू यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना जी, मिंजू यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में 5 अप्रैल लास्ट डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है जी, पहले आपने आपने करना क्या है, सिर्फ पहले सीएससी का फॉर्म फिल करना है, फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। अगर है तो ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म है तो देख लेते हैं है या नहीं है, हाँ बिल्कुल है, ये आ रहा है, ठीक है, मिंजू यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। ओके, पहले सीएससी का फॉर्म फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म, और नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। ओके, चंगचिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी जो है 1 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, फर्स्ट अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर इनिशियल यू विल इन्फॉर्म यू, आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा कि हार्ड कॉपी सेंड करनी है या नहीं करनी, कोविड की वजह से वैसे करनी नहीं पड़ती, जो कहते हैं कि इनिशियल रिव्यू के बाद ये वो लेटरम पटरम, ठीक है। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ये दो फॉर्म है बस, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। नेक्स्ट तेंगनोंग यूनिवर्सिटी, के बारे में अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, कुछ भी नहीं पे करना, सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। ओके, इसके बाद निंगशे यूनिवर्सिटी, इसकी भी डेडलाइन जो है 15 अप्रैल है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, सीएससी का फॉर्म और यूनिवर्सिटी का फॉर्म, ये दोनों। ओके, दे डिड नॉट मेंशन ऑनलाइन टू अप्लाई ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो है अप्लाई वैसे करना नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन यह है कि आप कर दें तो अगर फॉर्म अप्लाई ही करना है, फॉर्म फिल करना है, तो ये भी यूनिवर्सिटी का भी कर दें, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट दिल्ली पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 31 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन सेंड डॉक्यूमेंट्स टू यूनिवर्सिटी, वो सेंड ईमेल, अच्छा ये इसका अभी कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल में करने भी नहीं है दिल्ली पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स सेंड, शायद हमने मेल की हुई, अगर कोई रिस्पॉन्स आएगा तो फिर हम कर देंगे अपडेट, लेकिन फिलहाल अगर आप करना चाहें इसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, सीएससी का फॉर्म और यूनिवर्सिटी पोर्टल इसका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है सीएससी का फॉर्म है, सीएससी का फॉर्म सबमिट करके अब वेट करके देख लीजिएगा, अभी अगर अभी वेट करना है इसका मजीद, जैसे ही अगर कंफर्म हुआ तो डॉक्यूमेंट्स सेंड करने में अभी टाइम तो लग जाएगा, लेकिन 31 मार्च लास्ट डेट है, इसको हम कर देते हैं स्किप, देखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, सीसीएनयू,
ठीक हो गया जी। इसकी मार्च एंड ऑफ अप्रैल है, कोई एग्जैक्ट डेडलाइन नहीं लिखी हुई थी, लेकिन जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो एडमिशन कार्ड का भी, नो एप्लीकेशन फी, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है सीएससी के पोर्टल पे उसी वक्त, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सन येट सन यूनिवर्सिटी, इसका उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मैंशन नहीं किया है अबाउट हार्ड कापीज के हार्ड कापी सेंड करनी है या नहीं करनी, 31 मार्च लास्ट डेट है, लेकिन आप इस ई मेल एड्रेस पर जो है अपने सीएससी का फॉर्म फिल करके और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करके इस ई मेल एड्रेस पर डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कर दीजिए और उनसे पूछ भी लीजिए कि हार्ड कापीज रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, ठीक है, मार्च 31 डेडलाइन है अभी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी चंगचिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, चंगचिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो रिडक्शन हार्ड कॉपीज, पहले सीएससी का फॉर्म फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं। बस ये खत्म हो गया जी, पहला राउंड हुआ इसका खत्म, इसका इख्ताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में जिंदगी बाकी, तो दूसरा राउंड जो बनाएंगे उसमें प्रोविंशियल स्कॉलरशिप कवर करेंगे, कोई और स्कॉलरशिप जो है वो भी कवर करेंगे, जितने यूनिवर्सिटीज हैं वो भी कवर करेंगे। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनकी डॉक्यूमेंट सेंड उन्होंने कहा है कि करने हैं, लेकिन लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ये क्लियरली मैंशन नहीं किया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सेंड हमें नहीं चाहिए, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसी बिल को, हम नहीं वीडियो बना सकते कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स कर नहीं सेंड करने, ये वो क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है या हमने उनको, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भी लिखा था डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करने हैं, लेकिन लड़कों ने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए थे, तो फिर भी उनका एडमिशन हो गया था। उसी वजह से हम किसी कन्फ्यूजन में आपको मुबतला नहीं करना चाहते कि हम इसके डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, बस अप्लाई मंड दो अप्लाई, ऐसा नहीं है। हम उनको मेल करते हैं कि हमें बता दें क्लियरली कि डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए कोविड की वजह से, तो वो कभी कोई कभी कहते हैं नहीं चाहिए, उनके हम पोस्ट बना देते हैं, कभी कहते हैं जो है कोई रिप्लाई ही नहीं देता, फिर हमें जो है वो वीडियो नहीं बनानी पड़ती, कभी किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती, काफ़ी सारे पंगे हैं। और दोस्त अब आप पूछ रहे होते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है जी, इसके बारे में बता दें, ये वो कोई इन्फॉर्मेशन वो एग्जैक्ट मिले तो ही बताए ना, ऐसे ही जो है अंधेरे में जो है तीर तो नहीं चला सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा, नेक्स्ट राउंड का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आएगा, उसमें क्या हिसाब किताब होता है, क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल होंगी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट राउंड में। गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।